वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी आगे परीक्षाएं होती हैं उसकी जानकारी दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी सिविल सर्विस के बारे में। यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो होता है वो प्रतिवर्ष लिया जाता है, जिसमें ढेर सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। तो जानते हैं इसका शॉर्ट में सिलेबस कि किस प्रकार से इसका सिलेबस को तैयार किया जाता है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो 2021 में जो हो रहा है वो आपका 10 अक्टूबर को हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या सिलेबस रहने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रीलिम्स में अगर देखें तो प्रीलिम्स में टोटल दो पेपर होता है, जीएस पेपर वन, जीएस पेपर टू। तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। अगर हम इसको यहाँ से बांट दें, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से बांट देते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक प्रीलिम्स यहाँ से अगर फिर इसको हम लोग बांट दें तो यहाँ पे फिर मेंस और तीसरा होगा इंटरव्यू। यानी यहाँ पे तीन स्टेजेस हैं आईएएस क्रैक करने के लिए। अगर आपका सपना आईएएस बनना है तो लगातार मेहनत करते रहना होगा, चाहे किसी प्रकार का सिचुएशन आए, चाहे कोई प्रॉब्लम आए, कितनी भी बाधाएं हों, लेकिन बाधाओं से जब तक आप डटे रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है इसमें किस तरह का सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है। तो शॉर्ट में आप देख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो प्रीलिम्स जो होता है यानी प्रारंभिक परीक्षा, ये स्टेज वन होता है जिसमें दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर वन, जीएस पेपर टू। अगर हम लोग जीएस पेपर का बात करें तो इसमें हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटी यानी राजनीतिक, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र, जीके, साइंस, इन्वायरमेंटल, न्यूज़, करंट अफेयर्स, पॉलिसीज, मतलब जो भी हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा पॉलिसीज़ हुए हैं या फिर इंटरनेशनल में जो भी कोई किसी प्रकार का पॉलिसीज़ है, और फिर मिसलेनियस, ठीक है। ये सारा जो है वो प्रीलिम्स के जीएस पेपर वन में होता है। उसके बाद जीएस पेपर टू का बात करें तो देखिए ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा, डिसीजन मेकिंग पूछा जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव। ये तो हो गया प्रीलिम्स का बात। जब आप प्रीलिम्स पास करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको जो दोस्तों है वो मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत इसमें करना पड़ता है और इसके लिए जो है काफ़ी बड़ी बड़ी काफ़ी मोटी मोटी बुकें पढ़ने पड़ती है हर सब्जेक्ट के लिए। इसके नोट्स भी मिलते हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं हर इंस्टीट्यूट के द्वारा। अलग अलग प्रकार के नोट्स आते हैं, नोट्स के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे अगर बात करें हम लोग तो ऐसे यानी निबंध वगैरह लिखने का होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि मेंस में जो होता है वो टोटल आप देख सकते हैं कितने पेपर हो गए। जीएस में पेपर चार, चार जीएस का पेपर हो गया, ऑप्शनल में पेपर दो हो गया, और आप लैंग्वेज कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश होगा और एक ऑप्शनल लैंग्वेज होगा। इसके अलावा ऐसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो गया, चार और छः, सात, आठ, टोटल आठ पेपर हो सकते हैं इसमें। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो देखिए, सबसे पहले ऐसे में आपको निबंध लिखना होगा। जीएस पेपर में अगर बात करें तो आपका जीएस में पेपर वन होता है, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर। तो जीएस पेपर में पेपर वन क्या है, पेपर टू क्या है, पेपर थ्री क्या है, पेपर फोर क्या है, इन सारे बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। इसके लिए आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत रहा तो मैं भी इसके लिए एक लंबा सा सिलेबस का पूरा पैटर्न क्या है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा मैं बता दूं कि ऑप्शनल में आपका रहता है पेपर वन और पेपर टू, यानी ऑप्शनल में आपको दो मिलता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको ऑप्शनल में आपको पसंद है उस विषय पर आप जो है सेलेक्ट करके उसका मेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट जो पेपर होता है वो होता है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर आपका इंग्लिश होता है और ऑप्शनल लैंग्वेज होता है, ठीक है, इंग्लिश और ऑप्शनल। तो आप चाहें तो इंग्लिश
और ऑप्शनल में से कोई इंग्लिश और ऑप्शनल आप लैंग्वेज ले सकते हैं। ऑप्शनल लैंग्वेज में आपको दिया जाता है कि आप कौन सा, आप खुद से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं जिसमें आप सक्षम हो पाते हैं उस लैंग्वेज को आप ले करके, और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के बनता है लैंग्वेज पेपर, ठीक है, जिसमें आपको आपका लैंग्वेज का परीक्षा लिया जाता है कि आप उस लैंग्वेज में कितने हद तक तैयार हैं, किस हद तक आप में क्षमता विकसित हुई है, मानसिक क्षमता हो, ठीक है, तो ये कितनी क्षमता विकसित हुई है, कितना आपका बुद्धि उसमें बढ़ा है, इसकी ली जाती है। ऑप्शनल जो होता है, ऑप्शनल आपका सिलेक्टिव होता है, मतलब आप खुद से सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो है इसे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये जो है सिलेबस के आधार पर ही, यूपीएससी के द्वारा जो पेपर बनाया गया है उसी आधार पर आपको इसका तैयारी करना होता है, और ऐसे जो है इसको भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी आपको यूपीएससी के आधार पर जो ऐसे पूछा जाएगा उसका आपको लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है। तो ये जब आप 2 चरण पास करेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जब आप पहुँचेंगे, ये रहा आपका इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में आपको, इंटरव्यू में भी आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। इन सारे नंबरों के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उस लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो आपको सिलेक्शन होगा आईएएस, आईएएस के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करेंगे, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा चैनल में नए हैं, दोबारा बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।